भारत हो चुका है। हम भारत सरकार से धन्यवाद करता है जो हमारा यूनियन टेरिटरी हम लोगों को चाहिए। भारत सरकार हमारा कुछ भी यूनियन टेरिटरी जो हमारा मांग है उसका पूरा कीजिए। हमारे विशेष अधिकार इंद्रा ने समाप्त कर दिया, इतिहास समाप्त कर दिया। जैसे कि जबकि कोई भी देश का व्यक्ति ये नहीं धर्म के लोगों ने हाथ जहाँ हमारे पूर्वजों का पैर रखने में डर लगता है किसी पूर्वज के रखने पर मेरा पैर नहीं चला। और आज हमारे क्षत्रिय समाज का ये सारे राजवंशी और राजस्थान का जिस इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया। आज राम जी का मंदिर बन गया, राम जी विराजमान है, राम के वंशजों को उससे ब्रिटिश ने एक भी शक्ति राजा भी लिया उसको दे दिया जिसको ब्रिटिश ने राजा बनाया मिश्रा को, जबकि राज वहां के राजा का सूर्य वंशी का बना, चाहे वो उसने लेना था मेवाड़ के राजा को, मारवाड़ के राजा को, जयपुर के राजा को, अलवर के राजा को, कश्मीर के राजा को। अभी जो आप यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं उस एरिया को अगर समझना चाहें आपके हाथ से तो क्या है? बारह डिस्ट्रिक्ट बंगाल में पड़ते हैं और चार डिस्ट्रिक्ट इस तरह से करीब ये लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट का है। 12 से 3 लोकसभा सदस्य। अरे गरीब बात करिए, डिस्टर्ब मत करिए। जिसको महाराजा जगत सिंह नारायण का शासन हुआ था, नारायण से हमारा राजवंशी समुदाय क्षेत्रीय समुदाय शासन करता था, कुछ हिस्से को लेकर यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं क्योंकि हमारे ये बंधु जैसे हमने दमन में दी, जैसे हमने अंडमान निकोबार में दी, इसी तरीके से हमारे इस क्षेत्र को लीनो दिखाई करके उसको ग्रेटर कूच बिहार बना दिया जाए। इससे देश की भी समस्या हल होगी। वो जो रोहिंगा वाला पंगा है ना, वो इन्हीं यही बंगाल से ममता इधर भेज करके इनको आगे देश में आप एक बार हमारे हाथ में इस यूनियन टेरिटरी को आने दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं रोहिंग्या नाम की समस्या आपको दिखाई है। क्षत्रिय के सामने टिक नहीं सकता कोई रोहिंग्या, रोहिंग्या वो जुनूनी है, जुनूनी हम भी। वो लोग मानव बम बनते हैं, हम मानव बम ऐसे हैं, उनके बम को उनके पास में फोड़ते हैं, हम सरकटा के लगने वाले काटते नहीं और कटाते नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ना केवल जो है पानी और ये सब जो होती है जो आधारभूत समस्याएं, उनके अलावा जो टेररिज्म की समस्या को भी आप समझाने के लिए क्या करेंगे? हमारे इन राजवंशी समुदाय के लोगों को इनकी कमाते ये है फसल काट के जाते हैं, इनको जीने नहीं देते। कुछ बिहार इतना शांति प्रिय एरिया था, राजमाता राजकीय का जो स्वभाव था जब साधारण चीज थोड़ी ईडी और सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहाँ आम इन राजवंशी समुदाय के साधारण लोगों को कौन रहने देगा? आज 12 से 15 हजार लोग ये सर्दी कड़ाके की ठंड में वहाँ से यहाँ आए, ये तो परमिशन नहीं दी कि एक साथ सब बैठ सकते, हम इनको टुकड़े में ला रहे हैं। आप देखिए वो चले गए, हम दूसरे आके बैठे ताकि सभी बच्चे, सभी युवा, सभी महिलाएं हमारी इस बात को सुन सके। तो अभी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं? जो सरकार सुविधा है ही नहीं, वहाँ सुविधा कहाँ है बंगाल में? बंगाल तो आप
मैडम जाके देखिए बंगाल का ये वाला हिस्सा जो ड्रैगन फ्रूट विहार बना है, तो ऐसा लगता है बाबा आदम के जमाने का वहाँ की। तो जो हमारी सेना के टाइम पर जो हमारा ग्रेटर फ्रूट विहार रियासत थी शांति से रहे तो यार ठीक है यार, वो लोग बोल रहे हैं ना।